जब छलक उठा करण जौहर का दर्द, बाहुबली ही नहीं इन पांच स्टार्स ने भी टुकराई थी फिल्म। बाहुबली में अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले प्रभास इन दिनों साहू की शूटिंग में व्यस्त हैं। बाहुबली के हिट होने के बाद करण जौहर लगातार कोशिश में हैं कि वो अपनी फिल्म के लिए प्रभास को कास्ट करें, लेकिन एक बार फिर उन्होंने करण को मना कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रभास ने करण की फिल्म को मना कर दिया था। कई हिट फिल्में देने के बावजूद ऐसा कई बार हुआ जब करण जौहर को बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने मना कर दिया है। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच एक्टर्स। करण जौहर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में ऑफर की थी, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते उन्होंने ये फिल्में नहीं की। ऐश्वर्या के मुताबिक दरअसल जब उन्हें कुछ कुछ होता है ऑफर हुई तो वो अमेरिका में फिल्म अब लौट चले के 40 दिन के शेड्यूल में बिजी थी। इसी तरह फिल्म कभी खुशी कभी गम की स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में भी करण जौहर ने बताया था, लेकिन वो साथ काम नहीं कर सकी। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने करण जौहर की फिल्म में दिल है मुश्किल के लिए हामी भर दी। फिल्म बाजीगर में काजोल, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी की तिकड़ी ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था। करण जौहर भी इसका फायदा उठाना चाहते थे, मगर जब उन्होंने शिल्पा को टीना का रोल ऑफर किया तो एक्ट्रेस ने उन्हें मना कर दिया। स्क्रिप्ट के मुताबिक बाजीगर की तरह फिल्म कुछ कुछ होता है में भी शिल्पा के किरदार की मौत फिल्म के पहले हाफ में ही हो जाती। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो के शो BFFs के सिंकेड सीजन में पहले गेस्ट के तौर पर करण जौहर ने हिस्सा लिया था। इस शो के दौरान करण जौहर का दर्द छलक उठा। उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने उनकी फिल्में रिजेक्ट की। करण के मुताबिक उन्होंने कई बार शाहिद कपूर को फिल्म में कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। करण जौहर के अच्छे दोस्तों में से एक रणवीर सिंह ने भी उनकी दो फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था, जिसकी करण को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल पद्मावत में अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले रणवीर सिंह अपने रोल और स्क्रिप्ट से कोई समझौता नहीं करते। एक्टर अर्जुन कपूर ने भी करण जौहर को एक फिल्म के लिए मना कर दिया था। शो में इंटरव्यू के दौरान करण ने अर्जुन कपूर के नाम का भी जिक्र किया था। उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी अर्जुन को सुनाई, लेकिन बात बन नहीं सकी।